रक्षाबंधन खुशियों का त्यौहार है, भाई बहन के अटूट रिश्तों का त्यौहार है। रक्षाबंधन पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के कलाइयों पे राखी बांध के लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन के दिन लड़कियां अपने हाथों पे मेहंदी भी लगाती हैं। कई संस्थाओं में लड़कियों ने एक दूसरे के हाथों पे मेहंदी लगाई और रचाई। ये एक मेहंदी बहुत चीज है और अक्सर शुभ चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, जैसे शादी विवाह हो गया और ये बहुत शुभ होता है। और भाई बहन का जो अटूट बंधन होता है, ये लड़कियाँ सजने संवरने के लिए और अपना शौक पूरा करने के लिए करती हैं। और भाई को बहुत, मतलब कोई कोई भाई भी होता है जो देख के बहुत उनको खुशी होती है कि मेरे लिए मेरी बहन इतनी श्रृंगार की है। और उनकी लंबी उम्र के लिए ये मेहंदी लगाया जाता है और रक्षाबंधन होता है और बस शुभ काम के लिए लगाया जाता है। कहाँ मेहंदी सीखती हैं और अपना बताइए? आकृति में हमने मेहंदी सीखे हैं और खुद के भी लगाते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। ऐसे शादी विवाह में दुल्हन को भी लगाया जाता है, हम लोग लगाते हैं। मेहंदी वैसे हर शुभ कार्य पे लगता है, तो रक्षाबंधन तो हम बहने का सबसे फेवरेट त्यौहार होता है, इसलिए हम मेहंदी लगा रहे हैं। और शुभ भी होता है, भाई की लंबी उम्र के लिए भी लगाते हैं। और सजना संवरना तो मतलब बनता है, इसलिए मेहंदी ज़्यादा लगाते हैं। और रक्षाबंधन है तो दोनों हो जाता है, सजना संवरना भी भाई की लंबी उम्र के लिए भी और एक तरह से शौक भी पूरा होता है। और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए रक्षाबंधन में तो हर कोई लगाता है मेहंदी। रक्षाबंधन में मेहंदी का ज़्यादा क्रेज होता है। ये मेहंदी हम अपने शौक से लगा रहे हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन एक भाई और एक बहन का अटूट रिश्ता होता है, तो इसलिए हम लोग शौक से बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं अपने भाई की खुशी के लिए, ताकि वो हमारी हमेशा रक्षा करें। हमारी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सबसे पहले वो अपना प्रॉब्लम समझे और उसको सॉल्व करे। एंड तो इसलिए हम लोग मेहंदी भी लगाते हैं अपने भाई के लिए। मतलब ये सब हम लोग अपने लिए भी करते हैं और अपने भाई के लिए भी करते हैं। और मेहंदी तो वैसे ये तो एक क्या बोलते हैं, शुभ चीज़ होता है, मतलब सभी चीज़ में काम आता है। एंड आप लोगों को पता ही है कि मेहंदी का क्या महत्व है। एंड ये अक्सर शौक से ही लगाते हैं हम लोग। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलम कुमार। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है ताकि एक भाई एक बहन के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहे और उसकी सुरक्षा का काम करे। मेहंदी तो वैसे बहुत शुभ माना जाता है, जितने भी शुभ अवसर होते हैं, शादी विवाह हो, पर्व त्यौहार हो, अक्सर औरतें जो हैं अपना अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, लंबी उम्र के लिए जो लोग मेहंदी लगाती हैं, शादी विवाह के समारोह में भी मेहंदी लगाती हैं। एक सौंदर्य का चीज़ भी है, उससे सौंदर्य भी बढ़ता है महिलाओं का। और हमारे यहाँ तो आकृति में मेहंदी बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, बहुत सारी लड़कियाँ से सीखी, तो बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर हैं कि प्रोफेशनल भी हो गई हैं। शादी विवाह के मौके पर दुल्हन को मेहंदी सजाना, तो इस तरह से लोग सजाती भी हैं और ये बहुत शुभ माना जाता है। खास करके भारतीय संस्कृति में मेहंदी को बहुत शुभ माना जाता है, सो अवसर पर लगाते हैं तीज त्यौहार वगैरह पर भी। और ये तो सावन का महीना चल रहा है, कल तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर ये सारी बहनें अपने
श्रृंगारित करती हैं मेहंदी से,